78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज विधान भवन लखनऊ में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से मौजूद रहे और ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नारी शक्ति के उन्नयन और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नीयत और सफल क्रियान्वयन से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है और परिणाम स्वरूप आज महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। हम सब जानते हैं कि सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना से देश और प्रदेश में, दुनिया में प्रदेश का प्रसिद्धन बदला है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन के से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। चिन्हित माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई से प्रदेश में भय और आतंक का माहौल समाप्त हुआ है। आज प्रदेश दंगा मुक्त है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अमृत काल के सारथी के रूप में ग्लोबल लीडर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।